ज्यादा है, ये सारे यहाँ के कारोबारी हजरात हैं। हम जरा आमलेट फ्राई कर लेते। अल्हम्दुलिल्लाह दरिया किनार में हमने साइकिल उतार लिया, दरिया किनार और दमदमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह नारायण बाजार से गुजरे हैं और ये सारे यहाँ के कारोबारी हजरात हैं और प्रोग्राम है नारायण क्रॉस करने के बाद ही नाश्ता करने का, क्योंकि हमारा डिनर का एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा नहीं था। और यहाँ से शुरू हो जाता है जी घोड़ों के रेवड़। और माशाल्लाह नारायण क्रॉस किया तो देखें दरिया का मंजर, बिल्कुल दरिया के साथ साथ जा रहे हैं दरिया किनार के और साफ शफाफ पानी साथ साथ, क्या बात है। कल ये सामने वाली चोटी सारी की सारी बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन आज सूरज अल्हम्दुलिल्लाह तुलू हो गया तो बर्फ कम नजर आ रही है। माशाल्लाह देखे शफाफियत पानी की। अल्हम्दुलिल्लाह दरिया किनार में हमने साइकिल उतार लिया, बड़ा मजा है। यहाँ पे आने का व्यू बहुत मजे का है, पानी बड़ा ठंडा, अभी अभी जो है वो बिल्कुल बर्फ से पिघल के आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश वाटर। अगला सफर जो है हमारा तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब है, तो आज इंशाल्लाह इरादा है कि जितना करीब हो सके बाबूसर टॉप के इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुंच जाए। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियोस के अंत तक देखिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दरिया से निकलने के बाद दोबारा से हम उस रस्ते पे आ गए जो आज हमें हमारी मंजिल की तरफ लेके जाएगा। सफर का आगाज हमारा बिल्कुल ग्राउंड लेवल से है, यहीं से ठंडी हवा जो है वो हमें लगने लगी है। अभी ऊपर जाएंगे तो फिर उसका क्या बनेगा। आज काफी वार्म ड्रेसिंग है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बचती रहेगी। और ये जो हमें सामने पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा है इसे कहते हैं जी कहवे कराकरम। और नारायण के कुछ फेमस स्पॉट्स में से विजिट टूरिज्म के हवाले से एक है जी दमदमा, इसे कहते हैं जी दमदमा। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, क्या बात है। और जी हमें एक और साइकिलिस्ट मिल गए हैं, ये भाई तो माशाल्लाह बड़े सुख में ट्रेवल कर रहे हैं। हमारे वाला देखे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल बड़ाइच। माशाल्लाह, तो कहाँ से होके आ रहे हैं? पूरा नीलम वैली करके तौबड़ तक। माशाल्लाह, अब मैं इतना सारा सामान लेके जा रहा हूँ तो मैं चला जाऊंगा ऊपर तक? मेरा प्रोग्राम चाइना बॉर्डर का है। ज्यादा है ये बात मुझे नारायण आते तक फील होगी, कुछ भाई ने भी करेक्शन कर दिया जो की आगे से होके आए हैं। बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे, बड़ी हौसला अफजाई हुई मुझे भी। ये भाई भी सोलो निकले हुए थे और हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रैक है वो बड़ा मजेदार जा रहा है, इंशाल्लाह आप तो देख ही रहे हैं हमें साथ साथ। और कितना अच्छा मैसेज लिखा हुआ है संगमील वाले पत्थर पे, माशाल्लाह। और माशाल्लाह व्यू चेक करें यार, क्या कहने, कितनी खूबसूरत सी चरागाह है और नीचे चल रहे हैं घोड़े और वो ऐसे इलाके के पुराने तर्ज के घर। ये देखें जी बकरे लोड करने के लिए दौड़ लगी हुई है बच्चों की। मेरी नज़र से उस वक्त से इन पहाड़ों से नहीं हट रही थी जो कि दरिया के साथ साथ जा रही है, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत है। लेकिन मेरे राइट साइड पे देखें आप, क्या कहने, क्या ये बुलंदों वाला पहाड़ है और वो ऊपर तक बर्फ, सारी बर्फबारी हुई है, ग्लेशियर्स अभी बाकी हैं। हालांकि सूरज फुल चमक रहा है, यानी मुझे ऊपर उतारने की ज़रूरत है लेकिन नहीं उतारा, क्योंकि साया वगैरह जब आता है तो फिर अचानक से जो ठंड लगती है ना वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, इसलिए ऊपर पहने रखेंगे इंशाल्लाह। ये खड़ी की हमने साइकिल कोयटा कैफे रेस्टोरेंट, हमारे रास्ते के दरमियान में किसी अननोन जगह पे होटल है। ये माशाल्लाह तैयार हो रहा है, हमारे पहले कस्टमर्स थे उनके लिए पराठे, हमारा प्रोग्राम है खुश्की रोटी खाएंगे। नाम क्या आपका? गुल रहमान। गुल रहमान, कब से यहाँ पे बनाया हुआ आपने होटल? जिलजिले से। सही, कोरोना से पहले, यानी तकरीबन 19 में, 2019 में, 18-19 में। और काम शाम कैसा है? यहाँ पे है होटल और ये देखें जी व्यू पॉइंट, वो सामने वाला पहाड़ पानी के साथ साथ पत्थर भी नीचे भेजता हुआ। और ये है सर्विस जी कार वाश की, नेचुरल कार वाश सर्विस। चाचा आज यहाँ पे क्योंकि अकेले हैं तो उनके साथ हेल्पर कोई नहीं है, तो हम थोड़ा सा लेट हो रहे थे, हमें जल्दी है, मैंने सोचा कि हम जल्दी जल्दी हेल्प कर देते हैं चाचा की आमलेट बनाने में, कम से कम आमलेट तो हम बना ही सकते हैं। चलो आटा वाटा गूंदना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तो हमारे हाथ की गेम है। आमलेट का मटेरियल हमारा तैयार हो गया, घी हमने गर्म कर लिया, चाचा जी जो वो आटा गूंद रहे हैं, हम जरा आमलेट फ्राई कर लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो अंडे हमने इस्तेमाल किए थे और एक ही आमलेट बनवाया था, लेकिन अब दोनों अलहदा अलहदा हो गए। आमलेट माशाल्लाह हमारा तैयार हो गया। चाचा आ गए हैं रोटियां बनाने के लिए। और ये देखें जी माशाल्लाह रेवड़ ऊंचाई से उतराई की तरफ आता हुआ, ये भी पूरी कैंपिंग साथ लेके चलते हैं माशाल्लाह। ये जी हमारा तैयार किया हुआ अपने हाथों से आमलेट, और ये चाचा ने तैयार किए हैं रोटियाँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। रोटियाँ तो बिल्कुल टिशू की तरह ही हैं, बरकफ ये के चलो काउंटिंग हो रही है। नाश्ता हमारा हो गया, चीज़ें अब फिट करते हैं वापस साइकिल पे। नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी की है चहलकदमी, क्योंकि चढ़ाई अचानक थी। और यहाँ पे पहुँचे हैं टॉप पे, तो देखें जी माशाल्लाह दरिया का मंजर। और अब यहाँ से अला तूल सफ़र हमारा बड़ाखुंडी तक। आ रही है ना आवाज़ बस के चढ़ने की माशाल्लाह। इंतहाई खूबसूरत एक और चश्मा रोड के ऊपर से गुजरता हुआ, और तकरीबन 3-3 इंच तक इसमें पानी है। ये देखें माशाल्लाह शॉर्टकट मारते हुए बकरे और बकरवाल, क्या खूबसूरत सजाई हुई दुकान। और सतह समंदर से इस टाइम हम तकरीबन 9000 फीट ऊपर हैं। हाय हाय, अब इसे कहते हैं ना ठंड, क्या बात है बर्फबारी। ये पहाड़ देखे खुश्क, और ये हमारा सफ़र। ये वैली है जी बटाखुंडी की। नारान से 14 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, और टाइम 12 का हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम बटाखुंडी वैली पहुँचे हैं। और ये खूबसूरत सी होटलिंग यहाँ की, और ये सियाहत के लिए लारियाँ। हम अब निकल रहे हैं बटाखुंडी से। चढ़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा थी बटाखुंडी बाजार से निकलते में भी, लेकिन जो सफ़र करना है वो तो करना ही है। खड़ी की थी साइकिल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो व्यू पॉइंट है ना माशाल्लाह हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं यहाँ से, क्या कहें है ना। एन पहाड़ों के दरमियान खड़े हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़े का सफ़र जा रहा है। सिर्फ 14 किलोमीटर हुआ है वैसे तो, अभी हमें ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन आज चढ़ाइयाँ ज़्यादा हैं और थोड़ा सा सफ़र जो है वो डिफ़िकल्ट जा रहा है। खैर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जितना करीब हो सके बाबूसर टॉप के पहुँचने की इंशाल्लाह, वरना सफ़र तो ये इन्हीं गाड़ियों का है। और इतनी टॉप पर आए हैं हम, ये सारी की सारी इनकी एग्रीकल्चर लैंड है माशाल्लाह। 9000 प्लस फीट काश्त किए गए हैं यहाँ पर आलू, और साथ में छड़ियाँ। वो उस पॉइंट से आपको दिखाए थे सारे के सारे पहाड़, और अब हम इस पहाड़ के आद में आ चुके हैं। ट्रैवल जो है काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, बर्फ़ डरा रही है, हवा थका रही है, और चढ़ाइयाँ बस। वैसे ये के मंजर सभी बहुत 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 खूबसूरत है माशाल्लाह। वो सामने चोटी देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर ठंड कितनी होगी, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर। यहाँ लगाई गई है टर्बाइन, और उससे बन गई एक प्यारी सी आबशार। पानी तो खींच रहा है यार साइड पर, बहुत तेज बहाव था पानी का। तो सिर्फ इतनी सी हाइट पे आए हैं हम, बर्फ उस तरफ है, हवा भी उस तरफ को चल रही है, फिर भी यख ठंडी। कराकरम के इस जंगल में कहीं हम हैं, पता नहीं क्या नाम है जगह का, लेकिन बहुत ही प्यारी जगह। वैसे एक बात है, इस इलाके में आके हर ही चीज जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है, और ये वाहिद इलाका होगा जहां हम कह सकते हैं कि ये उठता हुआ धुआं भी खूबसूरत लग रहा है। अब यहां का ये टॉप था इस साइड से, उस तरफ हमें मिलेंगी सिर्फ चढ़ाइयां। हमारे सफर में थोड़ी आसानियां होने वाली हैं। एक ही उतराई हमें दरिया के बराबर ले आई है।
ये आ गया जी कुनार हमारे लेवल पे माशाल्लाह। नारान से हम 27 किलोमीटर आगे आए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा ये पहाड़ी सिलसिला और कराकरम हमें ठंडी हवाओं से रोके हुए माशाल्लाह। यार एक चीज़ की समझ नहीं आती, वो ऊपर से चश्मा स्टार्ट है इस पहाड़ में, लेकिन इसके ऊपर कोई कहीं पे ग्लेशियर नज़र नहीं आता, कोई कुछ नहीं, लेकिन पानी लगातार माशाल्लाह आ रहा है। दूसरा शहर हमारे रास्ते का आज, यार ये चोटी देखे कितनी नोकदार है। वैसे किसी के जहन में इसको सर करने का आ रहा तो ज़रूर ट्राई करें। ये ऊंचाई चढ़ रहे थे हम, अभी आगे बाकी है, लेकिन पानी वाली बोतल जो है वो खाली है। यहाँ पे चल रहा था सिस्टम पानी का, तो पानी भर लेते हैं। इंजॉयमेंट। वैसे यार माशाल्लाह साइकिल भी हमारी कम नहीं लग रही, राधा थोड़ी देर यहाँ बैठ के रेस्ट करते हैं। वैसे तो आज सुबह से सफ़र कम और रेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से देखे दरिया किनार का क्या रंग है। ये है जी यहाँ पे एक ओरिजिन चश्मे का। सूरज की रोशनी आगे आगे चलती जा रही है, जैसे जैसे हम ट्रैवल आगे कर रहे हैं पता नहीं क्या बनाना है उसने हमारे साथ। ये देखिए ग्लेशियर्स माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारे नज़ारे हैं, ये चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ जो साथ साथ चल रही हैं, लेकिन इन नज़ारों को इंजॉय करने का जो मज़ा है ना, यकीन माने अल्फाज नहीं है इनके लिए। ये लगे हुए यहाँ पे शलजम और ये जा रहे हैं किसान भाई। भाई यहाँ से ले ले शलजम एक। ले ले। शुक्रिया। तो यहाँ से देखते हैं कोई शलजम बड़ा वाला मिल जाए, तो छोटे छोटे ही हैं सारे, इतना ही लगे हुए बीज। ये है एक, तो ये एक शलजम लिया जी हमने, था तो छोटा सा ही लेकिन हमने उठा लिया, अब इसे इंजॉय करते हैं। साइकिल का स्टैंड ख़राब है, दीवार के साथ लगा के गया था तो बेचारी गिर गई है। वो स्पेशल भाई ने गाड़ी रोकी है। ये भाई है, क्या नाम भाई आपका? एहसन। आपका क्या नाम है? आपका बहुत फाइन है, शुक्रिया। और ये भी भाई है, हम यहाँ पे खा रहे थे शलजम, कल भी देखा आपको, शुक्रिया। सही, बस अब हम इंशाल्लाह निकलने आ गए। आप कहाँ से हो गए? टॉप से हो गए। हम टॉप से भी आ गए इंशाल्लाह। काफी रंग बिरंगे पहाड़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं माशाल्लाह। ये देखे जी आलू की फसल, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के साए में, और काफी सारा आलू उखेड़ भी लिया भाइयों ने। ये जनाब यहाँ पे गंदम भी लगी हुई है माशाल्लाह। हम गंदम काट के चावल भी काट चुके हैं, यहाँ पे भी गंदम लगी हुई है। वैसे इस इलाके में ट्रैवल की एक खास बात है कि जब हम थक जाते हैं ना, तब इस तरह उतराई आ जाती है हौसला अफजाई के लिए, और थोड़ी मजीद बचत हो जाती है हमारी एनर्जी की माशाल्लाह। टूरिस्ट, और ये हो रहा फोटो सेशन। पहले जो पहाड़ देख रहे थे वो तो कुछ भी सुरख नहीं था, सुरख तो ये है। और ये देखे यहाँ पे भैंसों ने भी जर्सियाँ पहनी हुई हैं। और बरवई के बाद ये वाले होटल मिले हैं, इससे पहले हम भूखे ही चलते आ रहे हैं। वक्त तकरीबन 3:30 का हो गया माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सी सिटिंग प्लेस यहाँ पे। और ये भैया आए हुए हैं टूर पे कराची से, इनके साथ खुशगपियाँ चल रही हैं, ये भी खाना एंजॉय कर रहे हैं और हमारा खाना भी आ गया। सिर्फ जो है नाश्ता किया हुआ, उसके बाद अब ब्रेक लगी है। खैर अब खाना खाते हैं। वो देखें ढलता हुआ सूरज, और खाना खाने के बाद ये अचानक से हमारी चढ़ाइयाँ थी, तो थोड़ा सा पैदल चलते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह राइड करेंगे, क्योंकि खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो चला लेना साइकिल तो टांगे बुरी तरह भूलती हैं। तो यही प्रोग्राम है कि इन चढ़ाइयों पे रिस्क लेने के बजाय आगे जल्दी निकलेंगे, क्योंकि हमें 7 किलोमीटर करना है यहाँ से। बेसल का इरादा था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन अपने टारगेट के करीब पहुँच गए। बहुत जल्द इंशाल्लाह, सिर्फ 7 किलोमीटर और 2 घंटे हैं हमारे पास। 7 बजे से पहले हमें इंशाल्लाह वहाँ पहुँचना है। हर टर्न के बाद लगता है कि शायद आगे उतराई होगी या बराबर रोड होगा, लेकिन ये लगातार ही चढ़ाइयाँ चलती जा रही हैं। और वो सामने पीक पे देखें, दिन की आखिरी आखिरी रोशनी इस तरफ भी इसी तरह। मौसम मज़ीद ठंडा होता जा रहा है, ग्लव्स मैंने पहन लिए हुए हैं, और अब बस कैप की बारी है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह करे कि उतराइयाँ आएँ और हमारा सफ़र जल्दी ख़त्म हो। अब सब यही दुआ है, क्योंकि थकावट से बुरा हाल हो चुका है। ये है जी दरिया किनार, इतना ऊपर ले आया हमें ये रास्ता, काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे लग रहा है कि या तो स्ट्रेट रास्ता है या उतराई है। जैसा भी हो ट्रैवल तो करना है ना। अब ट्रैक्टर ट्रालीज यहाँ भी चलती हैं।
बाकी सब आते एक तरफ, लेकिन आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 फीट पे साइकिल चला रहे हैं। माशाल्लाह, ज़रूर गईगा सतह समंदर से। इस दरिया की बात नहीं कर रहा। टाइम 5:30 का हुआ और ट्रैफिक दोनों साइडों से ऑलमोस्ट आना बंद हो गई है। वो सामने जो हल्की हल्की लाइट्स नज़र आ रही हैं, वो है हमारी आज की मंजिल। 7 बजे तक हम पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे तक हमने मंजिल देख ली है अपनी, दूर से ही नज़र आ रही है। अभी रास्ता काफ़ी लंबा है, अल्लाह करे कि उतराई हो, अगर चढ़ाई हुई तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगा। हमारे आज के सफ़र का आखिरी चश्मा, उम्मीद है यही होगा। मंजिल के हम बहुत करीब पहुँचे हैं और दरिया के पार देखें वो इमारत, कोई पुरानी बिल्डिंग, पुराने घर बने हुए। ये है जी बेसल और खूबसूरत सा ये मैदान। टाइम हुआ 6:15 का और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से बेसल पहुँच गए। अब यहाँ पे ढूंढते हैं कोई कमरा, करेंगे रेस्ट। वैसे आपको पहले दिखाते हैं कमरा कौन सा मिलता है और कितने में मिलता है हमें। ये रूम मिला है बेसल की एंट्री पे ही, हमें जो है वो होटल मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे करेंगे रेस्ट और किराया बहुत माकूल है, 1,000 रुपये में कमरा हमारा डन हो गया। होटल की सहूलियात में हमें बिजली जो है वो हमें 8:30 बजे तक मिलेगी और गर्म पानी कोई नहीं मिलेगा, ठंडे पानी से हमें जो है वो नहाना धोना करना पड़ेगा और उसके बाद अब सिर्फ रेस्ट। ये है हमारे सोने के लिए हमारा बेड और ये हमारी साइकिल हमारे साथ साथ। ये था हमारा आज का ब्लॉग, उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं चैनल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।